आज बनाएंगे बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर साबुत मूंग दाल की सब्जी। बढ़िया, एकदम सॉफ्ट बनेंगी। आप इन्हें हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। बिना टमाटर ना कोई सब्जियों को काटने का तामझाम, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। मूंग दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये साबुत छिलके वाली मूंग दाल ली है। वैसे तो ये बहुत आसानी से बाजार में मिल जाती है। अगर आपके पास ये वाली मूंग दाल ना हो तो आप इसकी जगह छिलके वाली दाल या बिना छिलके वाली पीली मूंग दाल भी ले सकते हैं। अब दाल को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और इसके बाद इसे 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ देंगे। आपको ये सब्जी सुबह में बनानी हो तो आप रात को ही भिगो के छोड़ दीजिए। और देखिए, दाल मैंने पूरी रात के लिए पानी में ही छोड़ दी थी तो इससे दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैं जब इसे नखून से इस तरह दबा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से टूट रही है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी दाल हमारी फूलकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर दाल का सारा पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया इसे छील कर इस तरह काट कर डालेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे, जितने पानी में अच्छे से पिस जाए बस उतना ही पानी डालिए और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। और देखिए, मैंने इसे पीसने के लिए थोड़े से ही पानी का इस्तेमाल किया है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो दाल हमारी थोड़ी पतली हो जाएगी और जो बढ़िया है वो हमारी ठीक से नहीं बनेंगी, तो ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। और देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है तो अभी इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ी सी दाल मैंने मिक्सी के जार में बचा ली है, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे। तो इसी जार में हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह मोटा मोटा काट कर डाल देंगे, 10 से 12 कलियां लहसुन के लिए इन्हें डाल देंगे और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है इसे भी इस तरह काट कर डालेंगे। ढक्कन लगाकर इनका एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। बढ़िया हमारी फीकी फीकी ना बने इसके लिए इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, कलर के लिए इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे वो जरूरी चीज जिससे बढ़िया हमारी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन। बेसन से बढ़िया हमारी बहुत ही ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। बेसन डालकर इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। और ये लीजिए, बैटर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसे सेकने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर सरसों का तेल। आप अगर सरसों का तेल ना खाते हो तो इसकी जगह जो भी तेल खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। तेल जब यहाँ पर मीडियम गर्म हो जाएगा, हाथ को पानी से गीला करेंगे ताकि दाल चिपके ना, और इस तरह इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्स लेंगे और दाल की छोटी छोटी बड़ियां इस तरह तोड़ते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और एक बार में जितनी बढ़िया तेल में आ जाए उतनी ही हम डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तेल में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, उससे काम जल्दी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा ही तेल लिया है जिसमें मैं बाद में सब्जी भी बना सकूं। ये दाल की बढ़िया ना ज़्यादा तेल सोख नहीं करती, ये बहुत कम तेल में ही सिक कर तैयार हो जाती है। तो जब इनका कलर एक तरफ से इस तरह हल्का ब्राउन हो जाएगा, इन्हें इस तरह पलटते हुए दूसरी तरफ से सेक लेंगे। जब ये दोनों तरफ से हल्की ब्राउन हो जाए या अच्छी सिक जाए, इन्हें कढ़ाई से अलग निकाल लेंगे। और देखिए, बढ़िया हमारी यहाँ पर अच्छे से सिक गई है तो अभी इन्हें प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। और देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनी है। तो इसी तरह हम बाकी बढ़िया भी सेक कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारी सारी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है तो इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए, मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप अगर इन्हें ऐसे भी खाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मैं जब इस तरह दाल बड़ी की सब्जी बनाती हूँ तो काफ़ी सारी बढ़िया मेरे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं अभी। तो इसी बचे हुए तेल में, अगर आपको तेल कम लगे ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले लिए इन्हें डाल लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 4-5 लौंग ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4-5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 तेज पत्ता लिया है इसे भी इसमें डालकर हल्का सा चटकने देंगे। अब जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया है प्याज अदरक लहसुन का, इसे डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। मसाले के साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ी दाल भी ली है तो उससे ये कढ़ाई में थोड़ी सी चिपकेगी, इसलिए इसे लगातार इस तरह चलाते रहेंगे। और देखिए, मसाले जब हमारे इस तरह अच्छे से भुन जाएंगे, इसमें हम
गैस को स्लो करेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखी भी कम होती है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालकर मसालों को हल्की आंच पर ही यहाँ पर भून लेंगे। तो अभी देखिए मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से भुन गए, तो गैस को हम यहाँ पर स्लो ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दही ली है, ऐसा मानकर चलिए लगभग 4 चम्मच। बिना टमाटर के बना रहे हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में, और दही अगर हल्की खट्टी भी होगी तो भी चलेगी। दही को अच्छे से फैट कर डालेंगे। और लीजिए मसालों ने यहाँ पर तेल छोड़ दिया है, सारे मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन गए। तो अभी इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल लेते हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से जैसी भी खाना पसंद करते हो, थोड़ी गाढ़ी या थोड़ी पतली, उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाला है क्योंकि बढ़िया भी थोड़ा सा पानी सोखती हैं और बाद में सब्जी गाढ़ी हो जाती है। इसी टाइम पर दाल की ये बढ़िया या पकौड़ियाँ, इन्हें भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। लगभग 7-8 मिनट के लिए इन्हें मीडियम गैस पर ढककर छोड़ देंगे। 7 मिनट हो गए हैं और अभी हम सब्जी को देख लेते हैं। और देखिए बढ़िया भी पहले से फूलकर मोटी हो गई है और सब्जी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। इनमें अंदर तक अच्छे से ग्रेवी भर गई है। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल लेते हैं। आप अगर दही वगैरह ना डालना पसंद करते हो या दही कम खट्टी हो तो आप यहाँ पर हल्की खटास के लिए अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। टमाटर डालना चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरपूर साबुत मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, सबके साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस तरीके से मूंग दाल की सब्जी जरूर बनाकर देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।